निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचेरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। अजमेर में पिस्टल दिखाकर महिला से हुआ लूट का प्रयास, सीसीटीवी कैमरे में नजर आया युवक। शहर के तोबड़ा पटेल नगर की गली नंबर 3 में एक महिला के साथ पिस्टल दिखाकर लूट का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने खुद को महिला के पुत्र का दोस्त बताया है। वहीं क्लॉक टावर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर लूट के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पटेल नगर की गली नंबर 3 निवासी ज्योति पत्नी जितेंद्र चौहान ने बताया कि एक युवक मकान में दाखिल हुआ, जहां उसने बेटे राहुल का दोस्त बताते हुए शादी का कार्ड देने की बात की और युवक ने मकान में दाखिल होते ही महिला पर पिस्टल तान दी। महिला ने बताया कि आरोपी ने उसको जान से मारने की धमकी देते हुए उसे दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसने महिला से नकदी की मांग की। तभी ज्योति ने दूसरे कमरे में पैसे रखने की बात कहते हुए शोर मचा दिया। शोर सुनकर राह चलती महिलाएं मकान में दाखिल हुईं तो आरोपी युवक को वहां से भागना पड़ा। पूरे मामले की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने महिला की शिकायत पर लूट के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने प्रारंभिक पड़ताल में युवक की पहचान चिराग के रूप में कर ली है। पुलिस ने चिराग की तलाश में देर रात तक कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस ने तोबड़ा क्षेत्र के कई सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला है, जहां एक स्थान पर आरोपी युवक सीसीटीवी कैमरे की जद में नजर आ गया है। थाना प्रभारी सूर्यवान सिंह के मुताबिक युवक परिवार का परिचित युवक है। प्रारंभिक पड़ताल में युवक की पहचान चिराग के नाम से हो गई है। लगभग 7 बजे के आसपास पटेल नगर तोबड़ा से हमें सूचना मिली कि कोई व्यक्ति है जो किसी के मकान में घुस गया है और लूट का प्रयास किया है। हम मौके पहुंचे थे तो वहां पर पटेल नगर के अंदर एक मकान है जितेंद्र सिंह चौहान का, वहां उनकी वाइफ और काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो वहां उनकी वाइफ से हमने बात की, जिसका नाम ज्योति चौहान है, उम्र 40 साल है। उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि शाम के समय एक लड़का है जो अपना नाम चिराग बता रहा था और उनके ज्योति चौहान के जो लड़का है राहुल उसका दोस्त बता रहा था, तो शादी में इनवाइट करने के लिए शादी का कार्ड लेके आया था। जैसे ही वो अंदर आया तो अंदर आके बैठते ही उसने बातचीत की और ज्योति चौहान ने बोला मैं आपकी राहुल से बात करा देती हूँ, तो उसने कहा नहीं, बात कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहते ही उसने उसको पकड़ लिया और पकड़ के बता रही हैं कि एक कोई चमकीली धातु की बंदूक जैसी कोई चीज़ बताई और अगर तुम कुछ बोलेगी तो मैं तेरे को मार दूंगा। और फिर डरा धमका के उसको पैसों की डिमांड की, कोई पैसे और जेवर वगैरह कहाँ हैं, तो उसने बताया मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं है। तो वो बताया ठीक है, तुमको पैसे चाहिए तो दूसरे कमरे में पड़े। दूसरे कमरे में जब वो उसको ले जाने लगा तो वो चिल्लाई, चिल्लाने पर सामने गली में और भी महिलाएँ थीं, तो एक महिला उसकी आवाज़ सुनकर गेट तक आई, तो उसको देख के महिला को आता हुआ देख के वो आदमी उसको धक्का देकर भाग गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और इस संबंध में जांच की जा रही है कि कोई न कोई परिचित ही इसमें, क्योंकि वो उसके महिला के पुत्र का नाम भी जानता था और महिला इसमें अकेली है घर पे, ये भी इसको जानकारी थी। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। महिला ने अपने पति की मौजूदगी में रिपोर्ट दी है, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, आईपीएस साहब के निर्देशन में टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही हम प्रयास करेंगे कि आरोपी तक पहुंचा जा सके। क्या हुआ आपके साथ आज? साढ़े 6 बजे का टाइम था, मैं खाना वाना बना के दिया बत्ती वगैरह बैठी थी, तो डोर पे आवाज़ आई कि राहुल राहुल आंटी आंटी, तो मैंने कहा भाई कि राहुल तो नहीं है, तो बोले मैं राहुल का दोस्त बोल रहा हूँ चिराग। मैंने कहा कौन है? बोले राहुल का दोस्त बोल रहा हूँ चिराग। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज मैंने कहा बोला कार देने आया हूँ। तो मैंने कहा चिराग नाम के तो मैं जानती नहीं हूँ। बोला नहीं आंटी मैं वहाँ से आया हूँ, मतलब कि वहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा मैं उसको बुलाया करा तो यहाँ बिठाया तो बैठ के, तो मैंने कहा भाई कब तेरे? बोले मेरा बर्थडे है 23 तारीख। मैंने कहा इसी 23 को बर्थडे है क्या? बोले हाँ आंटी इसी 23 को है। तो मैंने कहा भाई तू फोन करके, बोले उसका फोन नहीं, फोन आ गया भाई क्या? जयपुर पढ़ता है वो मेरा बेटा, तो जयपुर गया क्या? बोले नहीं। बोले मैं उससे, मैंने कहा मैं बात करा देती हूँ तेरी उससे, तू बात कर ले, आना होगा नहीं आना। इतने में तो वो यहाँ आया मेरा मुँह पर बंद करके रिवॉल्वर निकाल ले, बोले चिल्लाना मत नहीं तो मैं मार दूंगा तेरे बेटे को भी और तेरे पति को भी, मैं जानता हूँ। फिर मुझे उस रूम में ले गया, फिर मुंह बंद कर धक्का मोबाइल फेंक दिया।
फिर क्या हुआ? कोई दिक्कत? मोबाइल फेंक दिया, फिर बोले पैसे दे देना, आप चिल्लाना मत नहीं तो मैं मार दूंगा। फिर उसके बाद आपने कैसे? मैंने कहा भाई पैसे तो उधर पड़े हैं, मैंने बोला, फिर बोले चलो किधर पड़े हैं उधर लेके, फिर मेरे को तो चिल्लाना मत नहीं तो मैं मार दूंगा। फिर भी मैं चिल्लाई तो मुझे घसीटते हुए उधर लेके। ठीक है, फिर क्या हुआ? घसीटते उधर लेके, फिर उधर मतलब धक्का देकर उस साइड करना, तो मैंने कहा तू गेट बंद मत करो, मैंने कहा मैंने, फिर बोले अब तो तुमको मारूंगा ही मारूंगा, तो ये मैं समझ कि ये नकली है या असली है, बोले हम तेको पता नहीं है क्या है, तो मैंने कहा भाई मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, तेरी माँ समान हूँ, मैं तेको पैसे दे दूंगी जितने भी चाहिए, कितने चाहिए 5,000 जितने चाहिए तेको दे दूंगी, बोले नहीं। फिर मैं चिल्लाई चिल्लाई तो वहाँ वो सामने वाली भाभी उधर आके खड़ी हुई, तो वो उनको सामने वाली भाभी आके खड़ी हुई, तो मैंने कहा उठ के देने थे मुझे, तो उसको उसने उनको देख लिया ना, तो फिर वो देखने लगा, फिर मैं और चिल्लाई थी बचाओ 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 ऐसे जब तक वो भाग गया।